हेलो गाइस, मेरा नाम मनु और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम होम ब्रोस में। गाइस, आज मैं आपके लिए वन बीच के लेके आया हूँ। आपके रीजनल मतलब जो आपको बजट है, उस बजट में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको गेट दिखाता हूँ, जो वन बीच का जो गेट बना हुआ है। तीन लोग है इसमें, एक ऊपर लोग है, आप देख सकते हो वहाँ पे तीन, एक लोग लगा हुआ है, एक लोग ये लगा हुआ है और चाबीस की पूरी छल्ले की है। तीन लोग लगा हुआ गेट में, जो गेट का साइज देख सकते हो कितना मोटा गेट है ये, और तीन लोग लगे हुए हैं इस गेट में। सबसे अच्छी बात इस गेट में ये है कि साइड से आपको एक और डोर दी गई है, ये आप देख सकते हो, ये जो डोर है साइड से, इसे आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आप खोल के इसको और देख सकते हो कि बाहर गेट के उस पार कौन बंदा खड़ा है। ये मेन डोर के अंदर ही एक हमने एक और डोर दे रखी है, जिससे कि आप इसको मैं भी खोल कर दिखाऊंगा। सब यहाँ पे हमने एरो दे रखा है, जिससे कि आप अंदर से बाहर पूरा देख सकते हो कि किस प्रकार का है। इसको मैं भी खोल के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इसका लगता है लोक रखा है। तो ये जो गेट पूरा तीन लोग का है, और इसमें आपको 3D वॉलपेपर मिलती है, 3D वॉलपेपर की पूरी फिनिशिंग मिलती है। सामने छोटी सी एक अलमीरा ऊपर दे रखी है, इधर आपकी विंडो दे रखी है, जो कि सफोकेशन के लिए यहाँ पे वॉशिंग एरिया दे रखा है, कि यहाँ पे पूरा आपका प्राइवेसी दिया जाएगा। इस साइड में आपकी जो टॉयलेट है, और इस सामने आपका कमरा है, और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पूरा आपका ये वन बीएचके का जो था वो हॉल है। और इस साइड में हमने आपकी किचन दे रखी है, किचन का पूरा मैं दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा ये एरिया गंदा हो रखा है, क्योंकि बहुत दिन से फ्लैट बंद था, तो अभी इसकी थोड़ी सफाई करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ पूरा फ्लैट नया है ये, और बिल्कुल आपको एजेंसी जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा ही मिलेगा। ऊपर पंखे, लाइट का सारा काम होगा, सीलिंग देख ही रहे हो आप। इस पता कि मैं किचन दिखा देता हूँ एक बार आपको, कबूतर ने बहुत गंदा कर रखा है, तो मैं किचन दिखा देता हूँ। किचन में सब फिटिंग वोटिंग सारी कुछ हो रखी है, और मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ जरा। इसका सब कुछ जितने भी है, सब कुछ इसका सब कुछ एकदम टिक है ये। और अभी आप मतलब ये पूरा नया है, अभी कोई भी इसमें नहीं आया है, बस इसको लेके बंद करके छोड़ रखा था इन्होंने। तो अभी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बना हुआ है। ये 1 BHK में है, और इधर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ कोने में आपका हुआ जाएगा। ये पूरा हॉल है, और थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा रखी, तो सफाई भी करवा रहे हैं वो साथ के साथ ही। और इधर आपका वॉशरूम आ जाएगा, वॉशरूम आप देख सकते हो, जो वॉशरूम का एरिया भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी स्पेस है, 1 BHK के लिए काफ़ी स्पेस दे रखा है। इधर भी एक विंडो दे रखी है, जिससे कि आप उसको खोल दोगे तो अंदर क्या बोलते हैं वॉशरूम में सब वोशन बिल्कुल नहीं, ऊपर अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हो आप। ये आपका शावर एरिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कमरा, कमरे के गेट का जो क्वालिटी अच्छी है, जिससे कि आपको अगर पानी के छीट आएंगे तो गेट भी ख़राब नहीं होगा। और ये आपको दिखाता हूँ मैं कमरा जो है आपका, ये किस टाइप का है। ये कमरा है, कमरे के अंदर भी उन्होंने अच्छी खासी अलमीरा बनवा रखी है, आराम से आपके यहाँ पर अलमीरा हो जाएगी। इधर आपका बेड आ जाएगा इस साइड में, और यहाँ पर आपका बेड आ गया, और इस साइड में पूरा ये जो दीवार दिख रहे हो आप उसका सारा काम करवा देंगे, जितना भी छोटे मोटे काम हो जाएंगे। बगल में एक विंडो दे रखी है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग के अंदर जो सफोकेशन होगी वो बाहर हो जाएगी। अलमीरा मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको, तो अगर अलमीरा में कुछ इस प्रकार का जो काम करवा रखा है। तो ये हमारे पास 1 BHK था, जो कि मैं इसकी पूरी डिटेल क्या है, पूरी इसकी डिमांड क्या है, सब मैंने जिससे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आई थिंक 1650 के आसपास का ये है, बाकी मैं एक बार कंफर्म करके आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी आप कल प्रॉपर्टी देख लो, बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, इस चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ना एक से एक ऐसी वीडियो आएंगी आपके ओरिजिनल बजट में, जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो रखी, जिससे कि आपको अंदर से बाहर मतलब सफोकेशन के लिए अच्छा खासा ध्यान रखा। 3-4 जगह मैंने देखा इसमें आपके लिए विंडो लगाई गई है, लाइटिंग में भी अपने चाहो तो आप एडजस्ट लगा सकते हो। और मैं गेट आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से, गेट को मैं गेट खुल जा रहा, चाबी आ गई गेट की। तो और मैं बाहर का सारा दिखा दूँ, तो एक फ्लैट यहाँ पे, एक फ्लैट यहाँ पे, दो फ्लैट पीछे में है, दो फ्लैट बगल में है, 4 फ्लैट टोटल है। टोटल इसको लेकर 5 फ्लैट हो जा रहे हैं, तो अच्छा है। और जो इसका इलाका है, जो जिस इलाके पर आता है आपको, सेक्टर 3 और 5 के डिवाइडर रोड पर है ये, सेक्टर 5 और 3 के वसुंधरा में, तो काफ़ी स्पेस है। 1 BHK के हिसाब से देखा जाए तो फ्लैट सही है ये। और यहाँ पे किचन का है, मैं आपको दरवाज़ा दिखा दूँ एक बार, दरवाज़ा का लुक आ गया है। तो दरवाजे की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 3 लोग दे रखा है दरवाजे में, जो कि आजकल बहुत कम लोग देते हैं ये सब चीज़। और इधर से भी आपको मैं दिखा दूँ विंडो खोल के, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको खोलता हूँ ज़रा, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। इसमें क्या होगा ना, किसे इवेंट फील होता है कि हाँ ये खुल गई। अब आप चाहो तो आराम से बाहर कौन खड़ा है या कौन आया उसको आप आराम से देख सकते हो। साइड में यहाँ पे भी आपका लोक लगा है, उसको लोक भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गेट लगा रखा है, गेट ही जो लगा रखा है ये, गेट ही कम से कम आपको लाओगे मार्केट में तो 25-30 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे रखा है, हालांकि 1 BHK का फ्लैट है, अगर इसमें भी इतने छोटे 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 ध्यान दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप फ्लैट देख रहे हो किस प्रकार का है, और नीचे मैं नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी चेक की। तो चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो आएगी ना कि आपने सोची नहीं होगी, मतलब कि आपके मतलब बजट में रीजनेबल प्राइस में ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ कि आप लोगों के मतलब, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हफ्ते में भी 3 वीडियो आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 4 या 5 वीडियो आए, क्योंकि बहुत सारे अपने पास ऑप्शन हैं जो कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहो, अदरवाइज़ आप ये मैं आपके लिए 1 BHK लेके आया था, हालांकि 1 BHK की मेरे ख्याल से पहली वीडियो है मेरे चैनल पे। और ये इसको आप पहले देख लो, अगर चीज़ें चाहिए तो आपको अच्छे बजट में कर दूँगा, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं या इन्हीं की प्रॉपर्टी है ये। तो
उन्होंने कहा था तो मैं बिल्ड बना रहा हूँ इसके लिए, अदरवाइज इसको मैंने सेल किया था इनको, तो अभी ये 8-10 महीने पुरानी प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें इन्होंने शिफ्ट भी नहीं किया, प्रॉपर्टी बस बनवा के इन्होंने लेकर छोड़ रखा था, अब इनको सेल आउट करना पड़ रहा है। तो हालांकि अभी कुछ भी नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी में, एक बंदा भी इसने रहा नहीं, बस इन्होंने लेके ताला ही बंद कर रखा है, कबूतरा कर रहते थे इसमें। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो फोन करना आप इस प्रॉपर्टी के बारे में, अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो मैं बता दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताना कि आपको कैसी लगी, कहाँ की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ।